क्या चाहिए बता? पापा। और कुछ? दीदी का सामान हो चुका है तैयार, और दीदी देखो कहाँ वेट कर रही है। जीजू ने कहा है कि अभी आना है। कहाँ है गाड़ी? कहीं गाड़ी ना खड़ी। प्रणव कहाँ है? प्रणव दक्षो आगे क्यों बढ़ेंगे जब यहीं तक आने की गाड़ी है। सबकी गाड़ी आ रही है बस बेटा। अच्छा वो इसीलिए ना आ रहा होगा। तो जा रही गाड़ी। कौन कौन मेरा अंदर? मैं जाऊंगी चलो फोन। हेलो हाँ कौन? नहीं मैंने बालक और भेज दिया आगे तक गए बालक तो आगे हाँ टी पॉइंट पे गया बालक हाँ लोकेशन वहीं पे खत्म होगी। साइड में कर लो निकलने तो दो। देखियो भाई यू जा रही है हमारे, और देखो तो सही उगोंगे चावल। गरम खोलिए खोलिए एक बार। तू खुलवाएगी वैसे। चून को रख दिया नु बता भी रख दियो। मोंड के चून भी जीजा को चून लेके जा रही है। मोंड के जो नु कहवे ससुरालिया। और देख भाई चावल छोके हमारे चावल यानी खाए ना तो कह रही मो पैक चाहिए। और जीजू को यानी चून रख लिया। वो कहाँ रख दिया? रख लियो भी मैंने देख मत ना चल। देखे नु कह रही देख मत ना व्या सारा मारे दिखा दे वे। दिखाओ क्यों भी क्यों दिखा कर घर की बात घर में रखे करे। बताते नो बावली नो एक रहे। चलो बाय चित्रा। हां किट्टू बाबू तो मनी नो कर लो बिल्कुल भी आ जाओ। नू जरूर पूछे नू कैसे कहा को मजो टकरो रात को ही पूरा होनो हद देखती सुबह चली जाती। वेलकम टू प्रीति तन्मय ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रही। तो आज मैंने बनाई है पुदीने की चटनी, और आज मैंने पुदीने को छाई में भी घोला है। वो किसी और को पसंद नहीं आएगा इसलिए मैंने सिर्फ अपने लिए किया है, क्योंकि मुझे पुदीने मतलब पुदीना बहुत अच्छा होता है हमारी सेहत के लिए, क्योंकि वो ठंडा होता है। हमें गर्मियों में वो ज़रूर लेना चाहिए। चटनी में भी टेस्ट आता है उसका, अच्छी बात है, लेकिन छाई में लो उसे तो बहुत अच्छा होता है। मैं तो अपनी मतलब उसे पीस के और मैं अपनी दही में भी घोल लेती हूँ, लेकिन दही दे दी थी मैंने बच्चों को तो इसलिए मैंने अपनी छाई में ही घोल लिया। आपको दिख रहा होगा ये साइड में भी लगा हुआ है, क्योंकि सिर्फ ये मैंने अपने लिए ही की थी। मम्मी को खानी थी चटनी तो फिर मैंने वो चटनी में मिला दी, क्योंकि हमारे हैं पुदीना तभी पापा लेके आए थे। तो फिर मैंने क्या किया ये रहा, और बाकी का मैं इसे सुखा लूंगी। सुखाने के बाद में इसे धूप में सुखा के और फिर हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं। जब हम चाहे हम इसे छाए में हम डाल सकते हैं, लेकिन छाए में यहाँ कोई पीना पसंद नहीं करता। और ताजी जो है यानी कि अभी जितना ये हरा है ये कुछ ही दिन यूज हो पाता, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन, तो उसके बाद ये खुद ही सूखना स्टार्ट हो जाता है। तो इसे सुखा के धूप में अच्छे से, और आप इसे ऐसे करके और चन्नी में छान के और इसका पेस्ट जो बन जाता है उसे आप बहुत ईजी
स्टोर करके रख सकते हो और जब भी आपका मन हो और गर्मी में आपको लेना चाहिए। तो मेरा हो चुका है खाना बनाने का टाइम, अब मैं बना लेती हूँ खाना। तो व्लॉग की स्टार्टिंग मैंने लेट ही की है, खाने के टाइम पे ही की है। कल भी खाने के टाइम पे थे और आज भी खाने के टाइम पे। आज बच्चे स्कूल नहीं गए, बच्चे घर पे और हम मिलेंगे थोड़ी देर बाद, दिखाते हैं आपको आगे का व्लॉग। जी पापा, दाद मतलब ही हुआ रात से आप इनसे पूछ रहे हो। क्या खाओगे यार ये अब सुबह सुबह? अब फोन आपने करा दक्षुण करा, ये बताओ सच सच। दक्षुण ने, दक्षुण ने फोन करा, ये बताओ आप। जब भी फोन करे ना फोन मत उठाए करो, क्या होगा अब? लालू नानू आएंगे तो यहीं पे, या तुझे ज्यादा फोन मिलाना रहे? मैं हूं ना, फिर तू साइड मत हो एक रे। क्या चाहिए बता? क्या चाहिए बता? पापा। और कुछ नहीं। क्यों नहीं? अच्छे बच्चे आप तो मेरे गुड बॉय हो, है ना? मेरे गुड बॉय हो, मेरे गुड डाय तू। ये तो है नहीं मुझ पे, बाकी कुछ भी मांग ले बता। ये चाहिए था तुझे? ये जब का फोटो, जब हमारी शादी हुई थी। अब क्या करोगे आप इस फोटो का? बैग में रखूं? क्यों नहीं, बैग में नहीं रखते फोटो? हाँ बेटा, पकड़ो फोटो पापा यहाँ पे। हाँ पे ठीक है ना, फोटो बैग में नहीं रखते? नहीं। चल आज पार्थ के लिए जलेबी मंगाते हैं, है ना? गरम का पनीर जमना। मम्मी से पूछ, सात एक जैसे ना होते दीदी? और क्या, धरती पर सात हैं। आपने ही तो बोला था एक दिन पापा जैसे जा रहे थे, कोई बोला था ना? तो अब वरुण मामा जैसे मैं हूँ ना, और भी हमारे जैसे लगते हैं, होते हैं, हाँ फोटो दे तो दिया तुझे। ठीक है रख ले, फोटो रख ले, लेकिन रोटी तो खा ले। अब मेरे पास भी तो रहने दे कोई फोटो। अच्छा मुझे तो ये, और तो है नहीं, यही तो था उसमें। नहीं और भी तो है छोटे छोटे, वो भी तो मेरे पास है, पर्स में है वो मेरे में। देख रहे हैं मैं कितनी शरारत कर रहा, कैसे मन में तंग कर रहा। वो तो भूल गए ना, हैं भूल इसलिए जाते हैं क्योंकि जन्म हो जाता है दूसरा। कौन भूल गए? फोटो मत फोल्ड कर। अब भूलते नहीं है, भगवान याद रखते हैं, भगवान बन जाते हैं ऊपर जाके। हाँ चलो नहीं।
मत दे लेनी ना रोटी खा ले। मना कर रहे पापा रोटी खाने का? नहीं मैं तो फिर क्यों ना खा रहा हूँ इसे फाड़ेगा रोटी खा चल आ मैं खाऊंगा चल जलेबी खाएगा ये जलेबी खाएगा जलेबी खाने के बाद तो पापा दिख के मना कर रहे हैं क्या खाना है फिर देख वो रहा फोटो इतना बड़ा फोटो दिख रहा तुझे आज कैसे याद आ गया तो फिर वो था सपने में आए थे पापा का अभी देखे थे तुमने जो इसको थे वो एल्बम नहीं नाम तो आज याद बताना मेरी है जो किसको देख के फोटो देख के और वो फोटो नहीं है पापा सामने है तेरे उसे नहीं देखता तू उसमें अलग है हीरो पापा बोल वो फोटो अलग है कह रहा क्या करेंगे हम उतार के वो सामने लगे रहते हैं फोटो लगाने के लिए होते हैं ना ये बताओ फोटो किस लिए होते हैं चलो आप बताओ कौन बैग में रखता है या अपने आप फोटो में चिपकाता है फोटो घर में ही तो लगते हैं चीनी पराठे बना दो तेल लिए कोई ना लगेगा इस फोटो ठीक है चीनी पराठे बना दो तेल लिए ओए चौमिन मंगाऊं पिज्जा मंगाऊं दिखाएगा ही पहले आ इसने सब रोया यार चलो रोटी खाओ चीनी पराठे बना लो चीनी पराठे और रोटी सब्जी किसकी रोटी चाहिए हाँ हमें राजकुमार के घर जाना किसी ने हमारा घर बता दिया नो कही राजकुमार के घर है मैंने की हाँ आप गुजर हो मैंने हाँ आप राजकुमार की लड़की हो मैंने हाँ नाम प्रीति है मैंने हाँ नुक भुआपुर में कहा रिश्तेदारी मैंने कोई रिश्तेदारी ना नेक सराय में जिनको हम बताई ना वहाँ क्या रिश्तेदारी मैंने कोई रिश्तेदारी ना नौ नंबर बताता हूँ मैं मैंने कि हाँ पापा का नंबर बताओ मैंने फिर मैं बता दूंगी उन्हें नंबर भेजना मैंने कहीं अंकिल कोई बात नहीं आप बैठ तो जाओ मैंने चाय पानी जो कह रहा बेटा चाय पानी तो जब जब पता चले सही घर में मैंने कोई बात ना गई घर सही ना हो तो कहाँ होगा हमारे परिवार जहाँ जा फिर मैंने की फिर कह लगे और भी राजकुमार है मैंने यहाँ तो चार राजकुमार है मैंने तुम्हें पंडितन के जाना गुजरन के मैंने की गुजरन में भी यहाँ तीन राजकुमार है मैंने यहाँ तो जाओगे आ गए एक ही बल पर राजकुमार एक ही मैंने की अरे मैंने की मैं रघुवर की पोती हूँ मैं पर वे बाबा भी रघुवर ही है वे भी राजकुमार है उनकी लड़की भी प्रीति है मैं भी प्रीति हूँ फिर कह लगा उनकी बीच वाली लड़की वैसे इतनी कई बार है मैंने की हाँ मैंने यू हमारा ही घर है मैंने सोची जन मेरे ही कह रहा होगा फिर बता रहा कि बीच वाली लड़की की सेकेंड मैरिज हुई है मेरे लड़के के साथ अमन ने समझ में ना रही जब इनके लड़के के साथ हुई है तो इन्हें ये घर ना पता मैंने कहा अंकल बैठ जाओ फिर मैं कह लगी मैंने कि आप फिर कह लगे कभी फिर आऊंगा मैंने कि अब तो तुम भूले भटकाए फिर तो तुम जाओ जो कह रहे अगर पेपर में कोई क्वेश्चन गलत हो जाना वो क्वेश्चन हमेशा याद रहे अब कभी भी हम यहाँ आएंगे भाई यू घर तो जरूर याद रहेगा मैं सही है नु कह रहे ना भाई जरूर आएंगे नु कह रहे आपने बता तो दी बैठना दिया पौनी दिया फिर विश्वास कह लगे भाई बड़ी मेहरबानी तेरी हमारे उनके घर तक छोड़ दिया फिर विश्व कह लगे ज्यादा दूर ना मैंने चल कोई बात नहीं मैंने छोड़ दिया उन तो कह रहा हूँ घर दू ना अंकल यूरो घर क्योंकि वैसे वे गाड़ी में तो गाड़ी में बैठ के गए हो ना अब आए तो पैदल वह सर उठना ही कच्चा था तो परवान कुछ कह रहा आने वाला आप सब भी देखा मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग लेट की थी लेट इसलिए की थी क्योंकि हम उठे थे आराम से और रात आपने देखा दीदी गई थी अचानक से उसकी कोई प्लानिंग नहीं थी रात को जाने की क्योंकि
इस टाइम तक तो जीजू ने बोला नहीं, कल हम आपने देखा शिवानी गई थी, फिर हम उसके बाद गए थे स्कूल में पार्क में बच्चों को लेके घूमने, क्या हुआ, पार्क और स्कूल में गए थे बच्चों को लेके, और फिर वहाँ से आने के बाद में शीतल घर पे आई, फिर यहाँ बैठे रहे तो बहुत ज़्यादा थक गए थे, फिर दीदी ने कहा दोपहर हो गई अब मैं नहीं जाऊँगी, तो जीजू ने कुछ भी नहीं बोला, फिर उसके बाद क्या हुआ, जीजू के अचानक से कॉल आई, फिर वो कहने लगे मुझे नहीं पता आप आ जाओ यहीं पर, तो जीजू ने दीदी का अप्रैल फुल बनाया था, दीदी को बोला मुझे नहीं पता अभी आना है अभी आना है अभी आना है, जब दीदी परेशान हो गई क्योंकि जो ड्राइवर था वो भी पीछे ही अटका हुआ था घर तक नहीं आया, फिर दीदी गुस्सा हो गई, कह रही मैं नहीं आ रही रात को बच्चों को लेके, वैसे भी वो जाना पसंद नहीं करती रात को, तो फिर इसके बाद जीजू ने बोला कि मैं डेरा में ही हूँ क्योंकि डेरा में इनकी बुआ है, इनके पापा की बुआ है, इनके दादा की बुआ है, हमारी तीन पीढ़ी है डेरा में, तो जीजू अपनी बुआ के घर पे आए हुए थे तो उन्होंने कहा तुम आ जाओ और गाड़ी बुक कर देते हैं, गाड़ी से तुम वहाँ से आ जाना, फिर जीजू उनको रास्ते में वहीं पे मिल गए थे डेरा गाँव, और आज वैसे ही मन नहीं लग रहा था, शिवानी गई दीदी गई और आज इस चुईया ने हम सबको रुला दिया, कैसे मतलब पापा की मैंने बोला ना मैं मम्मी मैं पापा दोनों, वो चीज़ तो बेटा मैं तुझे कभी खरीद के ला के नहीं दे सकती क्योंकि खरीदने वाली चीज़ तो है नहीं पापा, है ना, तो ऊपर से ऊपर से ले आओ, पता है ये क्या कहता है, पापा आसमान में चले गए तो पापा जो धनतले में आसमान दिखता है ना उसमें ही है, जो असौला में आसमान दिखता है उसमें नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, पापा हमारे दिलों में है, पापा हमें देखते रहते हैं, तो ऊपर उनकी परछाई दिखाना, नहीं परछाई नहीं वो दिखाना, क्या उनका रूप ऐसे नहीं दिखता, और भोले बाबा है भगवान पापा के पास है, और भोले क्या बाबा? और क्या, तो भोले बाबा कैसे रखते हैं सबको, भोले की भक्त है वो, और क्या है, हाँ हाँ चली हूँ, चुन्ना मंदिर पे नहीं जाते थे पापा सुबह सुबह, तो भोले बाबा कितना प्यार करते हैं अपने भक्तों से, कितना प्यार करते हैं, करते हैं रोज जाते हैं वो, तो पापा ठीक है ना, बस भगवान के पास है पापा, तो आज तो मैंने बोला ना जब आपको याद आया आप बोलो करो मुझे पापा पापा बेटा मेरे पार्थू मुझे दे सब दे, पापा मुझे देते थे ना बहुत, तो दो सब दे पापा, ओके देती अभी दो अभी देती, नानी गई है ना आपके लिए चीज लेने, क्या लेने गई, अब वो तो बता के नहीं गई बट गई है, तो अभी एक अंकल आए थे कार्ड देने के लिए और गलती से वो आ गए हमारे घर पे, और तुक्का तो देखो कि मतलब उनके दादा का नाम भी हमारे दादा वाला ही है रकबर, पापा का नाम भी हमारे पापा वाला है राजकुमार, मेरा नाम प्रीति उसका नाम भी प्रीति, हम दोनों साथ में पढ़े थे हम क्लासमेट थे, यही कन्फ्यूज़न हुई थी एक बार, मम्मी जब पेरेंट्स को बुलाते हैं जब साइन होते हैं मार्कशीट मिली थी तो मेरी मम्मी उसकी मम्मी ने साइन कर दिया, जब मेरी मम्मी गई तो मैं बोल रही तेरी मम्मी अभी आई थी साइन करके चली गई, तो किसको मम्मी बना के ले आई, मम्मी वहाँ मुझसे लड़े लड़े तूने कूड़ मम्मी बना ली, मैंने कहा मम्मी मैंने किसी को मम्मी नहीं बनाया वो प्रीति है, कहने लगे अच्छा प्रीति राजकुमारी है, वो भी फिर रोल नंबर से कन्फर्म किया कि हाँ वो प्रीति थी, जब उनकी वजह से कन्फ्यूज़न हुई थी, ऐसे है तो वो अंकल आए थे तो ये एक बोल के गए मुझे बेटा जब हम पेपर देने जाते कोई क्वेश्चन गलत कराते हैं ना वो क्वेश्चन हमें याद रहता है, तो ये घर तो मुझे याद ही रहेगा, मैंने कहा चलो ठीक है, तो ब्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ, हंसना रोना कभी खुशी कभी गम ये वाला ब्लॉग था आज, तो सच में पार्थ ने एक गाना चल रहा था उस पापा था उसमें पापा वर्ड सुना रोने लगा, मम्मा मुझे चाहिए पापा, कहाँ से ला के दूँ पापा मुझे ही नहीं मिल रहे, पापा तो मेरी जिंदगी से ही ऐसे चले गए मुझे ही नहीं मिले, एक साल हो गया ऐसे ही, तो तेरे लिए कहाँ से पापा लाके दूँ, कोई नहीं ले सकता सच में इनकी जगह, जो है ना हमारे दिल में आज भी है और हमेशा रहेंगे, बहुत मुश्किल होता है बच्चों को समझाना, कभी कभी पार्थ ऐसे जिद करता है कि मुझे नहीं पता मुझे पापा चाहिए ही चाहिए, क्योंकि दक्षु तो दीदी के पास रहा था फिर मम्मी के पास था पहले, तो हमें ऐसे लगता था हमारा एक ही बच्चा है, बहुत प्यार करते थे पार्थ को तो बहुत ज़्यादा, और पता है इसको जब बुलाते थे आ जा मेरे पास आ जा ऐसे जिद करते, अगर ये मेरे पास होता था ना मुझे चिढ़ाने के लिए पार्थ को अपने पास बुलाते थे, अब क्या है फोटो, फोटो
आज बहुत सैड है पार्थ, आज इसे संभालना है मुझे। मैं व्लॉग यहीं पे खत्म कर दूँ, इसलिए आओ चलो लेते हैं, देखते हैं आज नाना नानी क्या चीज लाएंगे आपके। अच्छा अब आप खुश हो ये बताओ पहले, तभी पापा खुश होंगे। नहीं तो फिर पापा भी खुश नहीं है, फिर मुझे उनके पे वो सारे खर्चे। ठीक है वो सारे मिल जाएंगे, लेकिन हमें पापा को ये बताना है कि हाँ हम खुश हैं। बाय बाय पापा, पापा I love you पापा। पापा जब आप यहाँ से देखोगे ना, जब मम्मी ने मम्मी से कहना कि मम्मी पापा बन जाएगी और मुझे आपकी तरह पैसे देगी पॉकेट वाली। ओके जी, अब मैं से पापा समझ के रोज बात करूँ, ठीक है? ठीक है, मैं फिर से कल तो कर आंखें लाल कर लिया जिसने अपनी रो रो के, है ना? रो रो किया लाल हुई सावरिया, रो रो किया लाल हुई सावरिया। बच्ची बहुत अच्छी बच्ची है।